संविधान पीठ का ये फैसला है। तो नोटबंदी को लेकर जो जो केंद्र सरकार पर जो सवाल उठाए जा रहे थे या कभी भी उठाए गए थे या उस फैसले के खिलाफ जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए ये कहा है कि नोटबंदी का फैसला जो केंद्र सरकार ने लिया था सही था। Inherent contradiction because it says notwithstanding anything contained in the Reserve Bank of India Act 1934 or any other law for the time being in force. So notebandi ke khilaf sabhi yachika Supreme Court mein notification issued under subsection kharij kar di gayi hai। सुप्रीम कोर्ट में आज इस पर फैसला आना था, नोटबंदी पर सरकार का फैसला सही था। सुप्रीम कोर्ट का ये स्टैंड है, सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के टिप्पणी के मुताबिक, फैसले के मुताबिक कि नोटबंदी का जो सरकार का यानी केंद्र सरकार का जो फैसला था वो फैसला सही था। केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलती यहां नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जो लगातार जो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे थे, नोटबंदी किस तरह से की गई या किस तरीके से की गई या अचानक कर दी गई, तो इस फैसले के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया है और साथ ही ये बताया है कि केंद्र सरकार का ये फैसला सही था। This demonstrates that there was no independent application of mind by the bank. Neither was there. Oh,